कांचीपुर में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने नगर आयुक्त से मिलकर कोविड 19 के चलते लॉकडाउन के बीच नगर निगम की दुकानों के बंदी के समय का किराया माफ करने तथा जिला प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन के तीसरे चरण में ऑड इवन खुली दुकानों का आधा किराया लिए जाने की मांग की। कांचीपुर में आज व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रभात सानी एवं महामंत्री अमन बाली के संयुक्त नेतृत्व में व्यापार मंडल के पदाधिकारी नगर निगम में नगर आयुक्त से मिले। इस दौरान उन्होंने कांचीपुर नगर निगम के अंतर्गत आने वाली दुकानों का किराया लॉकडाउन के दौरान बंदी का हवाला देते हुए माफ करने की मांग की। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रभात सानी ने कहा कि नगर निगम की दुकानों का किराया लॉकडाउन की बंदी के दौरान माफ तथा ऑड इवन फॉर्मूले के तहत खुली दुकानों का किराया आधा लिया जाना चाहिए। वहीं नगर आयुक्त प्रकाश चंद ने कहा कि बोर्ड में इस पर विचार किया जाएगा तथा बोर्ड का जो भी निर्णय होगा उसके सापेक्ष व्यापार मंडल को निर्णय से अवगत करा दिया जाएगा। लॉकडाउन के अवधि में दुकान का किराया माफ करने के बारे में क्या हुआ है, क्या करना है और जो भी वित्तीय प्रकरण है निगम की आर्थिक स्थिति इसमें वो होनी है उस पर बनती है और इसमें बोर्ड में इस पर विचार करेंगे और बोर्ड का निर्णय होगा तो उसी सापेक्ष निर्णय लेकर के व्यापार मंडल को जो कोविड 19 की वजह से इतने टाइम लॉकडाउन की वजह से जो दुकानें बंद रही हैं फिर ऑड एंड इवन का सिस्टम लागू करा प्रशासन ने उसकी वजह से महीने 15 दिन दुकानें खुली हैं। तो हमने हमारा ये कहना है कि उस समय जिस समय पूर्ण लॉकडाउन था उस समय जो नगर निगम की दुकानें हैं उनका किराया माफ़ करा जाए और ईवन के टाइम पर उन दुकानों का किराया आधा किया जाए।